स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेस्टेरी नाम के चैनल पे। मैं लतीश स्टार्टिंग आज आपके लेकर आ गया हूं नया वीडियो। और ये वीडियो किस पे है? ये वीडियो है एनसीईआरटी के ईवीएस पे, यानी पर्यावरण अध्ययन पे, जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और ये जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये सीटेट में अक्सर ही पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पक्षी और उनके निवास। जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट अभी सीटेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीटेट के कुछ बेसिक चीज, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टॉपिक मैं आपको वीडियो में अपने पढ़ाता चलूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर अगर आपको कोई वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पक्षी और उनके निवास। तो चलिए दोस्तों, आप इस हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया क्या है? पक्षी और उनके निवास, जो कि सीटेट में आप अगर सीटेट का एग्जाम दिए हैं पहले तो आपको पता होगा कि इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पक्षी के कौन से पक्षी का निवास कहाँ है, वो अंडे कहाँ देते हैं, ठीक ना, यही सब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा पक्षी कौन सा है? नाम आपने सुना होगा इंडियन रॉबिन, ठीक है। इंडियन रॉबिन, जिसे आमतौर की भाषा पे आप किलचिड़ी भी कहते हैं ना, किलचिड़ी कहें या फिर कलचिड़ी कहें, जो आपको कहना है वो कहें, ठीक है। तो जो कलचिड़ी है या इंडियन रॉबिन जिसे कहा जाता है, वो कहाँ अंडे देती है, ठीक है, और उसका निवास कहाँ पर है? निवास तो मतलब वो सब पक्षी हैं, वो कहीं भी अपना डेरा बसा सकते हैं, लेकिन मेन कहाँ वो अंडे देती है और कहाँ वो ज्यादातर रहती है, ठीक है। तो वो अंडे देती है पत्थरों के बीच में, ठीक ना, पत्थरों के बीच में। अब पत्थरों के बीच में मतलब आपका क्या होगा कि जैसे आप कभी कोई यानी जैसे हाँ आपका कोई रास्ता है, ठीक है, कोई रोड, ठीक है, उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसको लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस रोड का। तो जब उस रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि लोग कंस्ट्रक्शन से पहले बगल में पत्थर, गिट्टी, बालू, जो भी हो वो अपना रखवाते हैं। तो उन्हीं पत्थरों के बीच में यह चिड़िया अपना अंडा देती है। क्या करती है? उन्हीं पत्थरों के बीच में, रोड है, रोड के अगल बगल आपका कुछ पत्थर है, कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं, उनके बीच में ये अपना अंडा देती है, ठीक ना। या फिर कहीं घर है, टूटा हुआ घर है, ठीक ना, अभी तो उसमें जो पत्थर हैं, ठीक ना, छोटे छोटे, उनके बीच में दे देगी। बस इसका क्या है मेन, ये पत्थरों के बीच में देती है। दूसरा क्या है? कोयल, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोयल अंडे कहाँ देती है, ठीक ना। कोयल जो अंडा है वो अपना कौवे के घोंसले में देती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझने में आपको इजी भी लगेगा, ठीक ना। कोयल कहाँ अंडे देती है? कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक ना। आपको पुराने जमाने में भी आप लोग करते होंगे, लेकिन अभी क्या है कि ये जो है ये अपने कौवे के घोंसले में देती है। यहाँ तक कि जो कौवा रहता है उसे अपना अंडा समझ के, कोयल के अंडे को कौवा अपना अंडा समझ के उसे सेता है। बाद में उस जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से कोयल निकलती है। यानी कहने का मतलब है कि कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और कौवा उसे अपना अंडा समझ के वो क्या करता है, उसे सेता है। और जो कोयल है वो घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, वो घोंसला नहीं बनाती है। अब क्या है कि फाख्ता यानी जिसे आप डव भी कहते हैं, जिसे आप सफेद कबूतर भी कहते हैं, लेकिन वो कबूतर नहीं है। जैसे आपने खरगोश और खरहा पढ़ा होगा कक्षाओं में, पहली दूसरी कक्षा में, कि ख से खरा, ख से खरगोश। तो ये खरा और खरगोश में जैसे डिफरेंस है, यानी जिसमें जैसे इन दोनों में आपका इन दोनों को अलग अलग किया जाता है, जैसे वो उसकी प्रजाति है, तो ये भी कबूतर की प्रजाति है, कुछ सिमिलरिटीज है कबूतर की, ठीक है। तो क्या है जो फाख्ता है यानी जिसे डॉग कहा जाता है, सफेद कबूतर कहा जाता है, वह कहाँ अंडा देती है? वह देती है कैक्टस और मेहंदी के मेड़ पे, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अगर रहते होंगे गांव वगैरह में तो आपने देखा भी होगा कभी कभी कि वो कहाँ रहती है, कैक्टस और मेहंदी। मेहंदी मतलब जो आप बाल में मेहंदी लगाते हैं वही वाला मेहंदी, ठीक ना। तो ये कहाँ अंडा दे रही है? ये दे रही है कैक्टस और मेहंदी के मेड़ पर। तो कैक्टस और मेहंदी के मेड़ पर क्यों दे रही है, ये भी एक सवाल उठेगा, ठीक ना। किस लिए? क्योंकि भाई इसको डर रहता है, ठीक ना, इसको डर रहता है कि मेरे अंडों को कोई चुरा ना ले, मतलब चुरा ना ले मतलब कोई फोड़ ना दे, कोई उसे गिरा ना दे ना, कोई उसे खा ना जाए। तो अब ये भी तो होगा कि इसके कौन कौन से, कौन कौन लोग इसको तोड़ सकते हैं, इसको खा सकते हैं, कौन कौन से? पहले तो हम
मनुष्य, ठीक ना, मनुष्य, दूसरा आपके गिलहरी, चौथा आपका चूहा, तीसरा आपका चूहा, चौथा आपका सांप, पांचवा आपका बिल्ली, ये सब और इत्यादि जो ये सब है, ये सब आपका क्या करते हैं, घोंसलों को, बंदर भी हो गया आपका, जैसे आपने कई कहानी भी पढ़ी होगी चिड़िया वाली, बंदर और घोंसला गिरा देता है। तो ये क्या है, ये सब है कि जो ये इन लोग से डर के अपने फ्यूचर प्लानिंग करके ये अपना क्या करती है, कैक्टस में अंडा देती है और मेहंदी के मेड़ पर अंडा देती है कि इसके इसके अंडों को कुछ हानि ना पहुंचे, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा चौथा है गौरैया। गौरैया जिसकी अभी संख्या बहुत कम हो गई है, एक तरह से विलुप्त इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुका है ये, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ पे अपना अंडा देती है, ठीक ना, ये कहाँ पे अंडा देती है, ये देती है घर के अलमारी के ऊपर, घर के आईने के पीछे और घर के दीवार के आले में, मतलब दीवार के आले में, आला मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं रोशनदान जिसे कहते हैं, वही आपका आला हो गया, ठीक ना। घर की अलमारी में, अलमारी तो आपको पता ही होगा ना अलमारी क्या होता है, अलमारी मतलब जो आप लकड़ी की अलमारी बना रहे हैं, लोहे की अलमारी बना रहे हैं, तो उसके ऊपर ये अपना अंडा देगी, ठीक है। और क्या है, आईने के पीछे, आईने के पीछे, आईने के पीछे भी ये अपना अंडा देती है, जो मिरर होता है वो उसके पीछे भी अपना अंडा देती है। तो ये कहाँ का अंडा देती है, घर की अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर देती है, घर के आईने के पीछे यानी अपने मिरर के पीछे देती है, और कहाँ देती है, दीवार के आले में यानी दीवार का जो आपका उसके रोशनदान कहते हैं आप जिसे, उसके ऊपर यह देती है, या फिर छोटी छोटी जो मुंकी टाइप की आगे बनी रहती है उसमें देती है, ठीक ना। अब ये हो गया, अब हम देखेंगे कबूतर, इन दोनों में देखिए डिफरेंस है, कबूतर और फाख्ता में एक नहीं है, आप कहते हैं ना कि कबूतर और फाख्ता एक ही होता है, उसका कलर व्हाइट होता है, ऐसा नहीं है, वो उसका प्रजाति है, ठीक ना, जैसे बिल्ली की प्रजाति शेर हुआ ना, तो वैसे ही ये भी इसकी भी कबूतर की प्रजाति फाख्ता है, ठीक ना। तो क्या है, कबूतर का अंडा देती है, आपने देखा भी होगा, आपने पक्का देखा होगा, मैं लिख के देता हूँ कि कबूतर देता है पुराने मकान या खंडहर में, पुराने मकान यानी बहुत साल पुराना घर बना हुआ है, वो वहाँ सेफ्टी पाता है कि ये भाई पुराना घर है, यहाँ पे कोई आएगा नहीं, यहाँ अपना अंडा दे देते हैं। तो क्या है, ये अपने पुराने मकान में या खंडहर में, यानी खंडहर जो टूटा फूटा घर है उसमें कोई रहता नहीं है, ठीक ना, खंडहर है, टूट चुका है पूरा, तो उसमें यह एक अच्छा जगह देख के ये लोग कबूतर जो है अंडा देती है, ठीक ना, ये पुराने मकान या खंडहर में। अब क्या है, दर्जिन, देखिए दर्जिन यानी टेलर बर्ड, टेलर बर्ड आपने नाम सुना होगा दर्जिन का, दर्जिन आपने गांव में भी देखा होगा, ये जो दर्जिन होती है इसकी एक खासियत होती है कि यह अपने नोखीले चोंच से क्या करती है, पत्तियों को सिल देती है, क्या करती है, नोखीले चोंच होते हैं और पत्तियों को सिल देती है, पत्तियों को सिलने के बाद वो उसमें एक आप कह सकते हैं कि गोल गोल एक स्ट्रक्चर बनाती है और उसके अंदर अपना वो क्या देती है, अंडा देती है। तो यानी क्या है, ये पत्तों को सील कर अपना अंडा देती है, ठीक ना, और कौन सी बर्ड है, दर्जिन यानी टेलर बर्ड है, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ पक्षियां और बचे हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो में, क्या है हमारा, हमने छह पक्षियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक ना, छह जो पक्षी थे हमारे उनके घर निवास के बारे में पढ़ा, वो कहाँ अंडे देती है ये पढ़ा, और अपने सातवें पक्षियों के बारे में चलते हैं। सातवां जो पक्षी है उसका नाम है सकरखोरा, ठीक ना, सकरखोरा नाम सुना होगा आपने, जो सकरखोरा कहाँ अपने अंडे देता है, कहाँ रहता है, वो अपने छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाता है, ठीक ना। अब छोटे पेड़ यानी बहुत छोटे पेड़ है, उस पे एक डाली है, डाली ना, या फिर कोई एक जैसे कहते हैं घना पेड़ हो ना, जिसमें घना हो, और उसमें हो क्या, उनके डाली पर ये लटकता एक घोंसला बनाता है, क्या करता है, एक लटकता घोंसला बनाता है, यानी यह कोई बड़ा कोई छोटा सा ऐसा पेड़ है, कोई छोटा सा पेड़ है, इस पे एक डाली निकली हुई है ऐसे करके, ऐसे ठीक ना, ऐसे कोई डाली निकली हुई है, इसी पे ही अपना ऐसे करके लटकता घोंसला बनाएगा, ठीक ना, ऐसे कुछ ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन ये अपना छोटे से पेड़ पे लटक एक डाली है उस पे अपना ये लटकता घोंसला बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको एकदम बात ध्यान में रखना है, उसे जस्ट करके बता, कोई बात नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि ये जो है ये अपना लटकता घोंसला बनाता है, इस पे बनाता है छोटे पेड़ों पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आठवें, जो हमारा आठवां चिड़िया है या फिर आप पंछी कह सकते हैं, वो कौन सा है, कौवा। कौवा आपने नाम सुना होगा, कौवा को लोग क्या करें, छोड़ जाने दीजिए, कौवा को लोग कंपेरिजन करते हैं बहुत लोगों से, जैसे कौवा आपका भाषा उसमें मतलब जो उसकी आवाज़ है वो अच्छी नहीं है, कोयल की आवाज़ अच्छी है, तो ये सब आपने सुना भी होगा, कौवा तो आप जानते ही हैं। तो कौवा कहाँ देता है अपना अंडा,
ठीक ना। कौवा कहाँ देता है, कौवा देता है ऊंचे या बड़े पेड़ों के ऊपरी हिस्से में, ठीक ना। कौवा यानी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ऊंचे बहुत ऊंचा कोई पेड़, जैसे इकोलिप्टस, नहीं इकोलिप्टस नहीं बोल सकते, कोई बहुत बड़ा लंबा पेड़ है उस पे अपना घोंसला बनाएगा और उसमें अंडा देगा, ठीक ना। अब एक यानी ये ऊंचे पेड़ या बड़े पेड़ों के ऊपरी हिस्से पर, यानी ऊपरी हिस्से पे। और आप जानते हैं कि जो कोयल है, कोयल क्या करती है, इसी के घर में, यानी ये भी कोयल भी एक तरह से क्या कहेंगे कि वो भी ऊंचे पेड़ों या बड़े पेड़ों के ऊपरी हिस्से में वो भी अंडा देती है। और किसके में देती है, कौवे के, क्योंकि भैया कौवा ही एक ऐसा आपका पक्षी है जो कि सबसे ऊपर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो कोयल भी इन्हीं के घोंसलों में अंडा देती है। अब क्या हमारा वीवर, वीवर ठीक ना, वीवर बर्ड, यानी अब ये क्या है, वीवर बर्ड यानी जो वीवर बर्ड है, जो मादा वीवर है वो क्या कर, जो मतलब इसमें मैंने लिखा है कि मादा वीवर के पसंद के घोंसले, ठीक ना, मादा वीवर के पसंद के घोंसले, यानी इसमें कहा गया, मतलब कहा गया नहीं है, जो नर हो, जो नर क्या है, वीवर है आपका, नर वीवर बहुत सारे घोंसले बनाता है जब मादा वीवर अंडा देने वाला होती है, अंडा देने वाली होती है, तो जो नर वीवर है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है सुंदर सुंदर, ठीक है। और उसमें से जो मादा वीवर को पसंद आएगा, जो घर मादा वीवर को घोंसला मादा वीवर को पसंद आएगा वो उसी में अंडे देगी, यानी कि मादा वीवर के पसंद के घोंसले में। और नर कौन बनाएगा, उसे नर वीवर बनाएगा, याद रखना कि नर वीवर घोंसला बनाएगा बहुत सारा, उसमें से जो मादा वीवर को पसंद आएगा वो क्या करेगी, वो आपका उसमें अंडे देगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, वीवर बर्ड किसमें देती है, वीवर बर्ड आपका देगी मादा वीवर के पसंद की घोंसले में, ठीक ना। वो मतलब नर वीवर बनाएगा उसको और मादा वीवर उसमें घोंसले देगी जो उसे पसंद आएगा, ठीक है। तो हमने जो है पक्षी और उनके निवास को कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम आगे भी कुछ सीजेट के वीडियो ऐसे लाते रहेंगे, तो ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें, कोई डाउट है कमेंट करें, या फिर कोई वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।